कवर्धा से खबर है, भोपाल से शव लेकर जा रहे परिजन को राहत मिली है। मुंगेली जिले के फास्टरपुर में शव को दफनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बुजुर्ग के शव को लेकर कई घंटों तक बोडला में परिवार फंसा रहा था। भोपाल गया था जांजगीर चांपा का एक परिवार। भोपाल में बुजुर्ग सदस्य का निधन हो गया था। शव को लेकर जांजगीर परिजन लौट रहे थे। परिवार का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकला। प्रशासन ने जांजगीर चांपा में एंट्री पर रोक लगा दी थी। बुजुर्ग के शव के साथ कई घंटे परेशान ये परिवार होता रहा। आखिरकार फास्टरपुर में शव को दफनाया गया है। इसके निर्देश सरकार की तरफ से मिल गए हैं, तो एक राहत भरी हम खबर कह सकते हैं परिवार के लिए। संकट की इस घड़ी में ऐसी परेशानियां लोगों के सामने भी आ रही हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता संतोष भरद्वाज से। संतोष, संकट की इस घड़ी में, कोरोना काल के इस दौर में ऐसी परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार प्रशासन भी उनकी समस्या का हल भी किसी न किसी तरह कर रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से तरह से यहाँ पर एक परिजन परिवार जो है भोपाल से लेकर जांजगीर जा रहे थे, लेकिन बीच जो हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत हो गई थी। काफी देर तक के परेशान रहे, 48 घंटा तक के शव को रखे रहे हैं, 6 घंटा तक के कवर्धा जिला के बोरला में रहे हैं। तो वही शासन के द्वारा जब बातचीत हुई, खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद में जो शासन ने एक निर्णय लिया कि जो मुंगेली जिला के फास्टरपुर में है वहां पर अंतिम संस्कार देने की अनुमति देते, कहीं कहीं परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर है। और जो परिजन है वो बंसल ने इसको बहुत बहुत धन्यवाद कहा, क्योंकि जिस तरह से हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, चूंकि जो प्रशासन शासन के तमाम तरह की जो बातचीत है, कलेक्टर से भी हमारी बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल संतोष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो हम कह सकते हैं बंसल न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ कवर्धा में, जहां पर परिजन को शव दफनाने के निर्देश मिल गए हैं। काफी कई घंटे से ये परिवार परेशान हो रहा था। बुजुर्ग की मौत हो गई थी, निधन हो गया था, और जांजगीर चांपा जाने के लिए परिवार को रोका गया था, लेकिन अब एक राहत भरी खबर परिजन के लिए। शव को दफनाने के निर्देश दे दिए गए सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पर 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। भैरमगढ़ एरिया के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी में ये सक्रिय था। प्लाटून 13 का डिप्टी कमांडर था सरेंडर नक्सली, बहन की सलाह पर उसने सरेंडर किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहन ने अपने भाई को राखी बांधी है और बहन के कहने पर ही उसने सरेंडर किया है। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और ऐसे में एक बहन के कहने पर नक्सली ने सरेंडर किया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता प्रशांत कुब्जे से। प्रशांत, रक्षाबंधन के दिन एक बहन को सबसे बड़ा तोहफा हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आज 8 लाख का इनामी नक्सली जो भल्ला जो भैरमगढ़ एरिया कमेटी में 13 नंबर प्लाटून का डिप्टी कमांडर है और कई बड़ी घटनाओं में शामिल रह चुका है, बीते 10 सालों में लगभग कई ऐसी वारदातें हैं जिसमें शामिल रह चुका है, इसका सरेंडर एक बड़ी सफलता बिल्कुल पुलिस को कही जा सकती है। और जो लोन वराटू अभियान है उससे ये प्रभावित हुआ है, और ये प्रभावित इसलिए हुआ है क्योंकि लगातार ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें जो पोस्टर वार पुलिस ने चालू किया है और आत्मसमर्पण नीति को जो अपग्रेड किया है वो उसके गांव में भी लगाया गया था जिसको उसकी बहन ने पढ़ा था, और इसके बाद 12 साल बाद उसका भाई अपनी बहन से मिलने के लिए आया हुआ था, और अपनी बहन से मिलने के दौरान उसकी बहन ने उसको समझाया भल्ला को और आत्मसमर्पण की ओर आने की बात कही, जिसके बाद दंतेवाड़ा SP और CRPF के DG के सामने भल्ला ने आत्मसमर्पण किया है। हालांकि भल्ला SLR का उपयोग करता था संगठन में, लेकिन बिना हथियार के वो अपनी बहन से मिलने आया था, जिस वजह से हथियार के साथ उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन बिना हथियार के भी कई ऐसी बड़ी जो घटनाएं हैं जिसमें शामिल था उसका खुलासा हो सकता है। साथ ही साथ आने वाले समय में जो रणनीति नक्सली तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भैरमगढ़ एरिया कमेटी किरंडुल से लेकर पूरा भैरमगढ़ तक सक्रिय रहता है, और सबसे बड़ी अहम जो है वो बैलाडीला इलाके में जो NMDC का काम कर रहा है वहां पर जो लगातार नक्सलियों का दबाव रहता है, जो नक्सली घटनाओं को वारदात को अंजाम देते हैं, उन वारदातों में ये 13 नंबर प्लाटून की अहम भूमिका रहती है। तो कहीं ना कहीं उस वारदातों से जुड़ी हुई कई अहम खुलासे हो सकते हैं जिससे उन वारदातों को रोका जा सकता है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रक्षाबंधन के दिन जो है, रक्षाबंधन से पहले अपनी बहन को एक तोहफा जरूर दिया है उसने आत्मसमर्पण करके, और
कई जानों को भी जो है इस तरीके से बचाया जा सकता है। बिल्कुल प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो लोन वर्राटू अभियान यहाँ पर चल रहा है, जिसके तहत हम देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दंतेवाड़ा से खबर है जहाँ पर बहन की सलाह पर एक भाई ने सरेंडर किया है पुलिस प्रशासन के सामने। वहीं छत्तीसगढ़ में जल्द ही हज हाउस 26 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। आज इस हज हाउस की सीएम भूपेश बघेल ने बुनियाद रखी। बकरीद के मौके पर भूपेश बघेल ने शनिवार को निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हज हाउस का शिलान्यास किया। हज हाउस का निर्माण 3 एकड़ भूमि में किया जाएगा। 5 मंजिला इस भवन में हज यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भवन का निर्माण मंदिर हसौद रोड एयरपोर्ट के पास नवा रायपुर अटल नगर में किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दोहरी खुशी का मौका है। पूरी दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में भी ईद का पर्व मनाया जा रहा है और आज छत्तीसगढ़ का हज हाउस का शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हज हाउस का शिलान्यास हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि आज का जो ईद उल अजहा का जो समय है ये बहुत ही मुबारक दिन हज के लिए माना जाता है और इसके हिसाब से आज जो शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है 26 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य किया जाना है। 3 एकड़ जमीन इसमें है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए। 5 करोड़ रुपए इसमें सेंट्रल हज कमेटी की ओर से दिए जाने की बात हुई है, उसको भी हम लोग जल्दी प्राप्त करेंगे और राज्य सरकार से सहयोग लेकर इसके निर्माण कार्य को पूरा कराएंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामले के बीच सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ने पर सरकार की कई खामियां गिनाता रहा है, लेकिन अब उसने राज्य सरकार की अंदरूनी खींचतान को इसका जिम्मेदार ठहराया। कोरोना के बढ़ते मामले पर एक और सियासी रंग चढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ में जिस कोरोना संक्रमण के मामले जून में खत्म होने की स्थिति में थे, वहीं जुलाई में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। जुलाई महीने के आखिरी तक छत्तीसगढ़ में कुल 28,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। पहले सरकार पर आरोप कुछ और लगते थे, अब कुछ और लग रहे हैं। अब विपक्ष की ओर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच तालमेल की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस तालमेल को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान से हस्तक्षेप की मांग की है। मैं तो आप लोगों से भी चाहूंगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बात की जानकारी जाना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच में जो टॉकिंग टर्म्स नहीं है, उसके कारण छत्तीसगढ़ का आम आदमी कोरोना के संक्रमण को भुगतने के लिए, उसके संकट को भुगतने के लिए मजबूर है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है इन दोनों के विवाद के कारण। उधर बीजेपी के इस आरोप को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। कोरोना संक्रमण को सफलतापूर्वक रोकने का दावा किया। वहीं बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी सरकार के कार्यकाल में होने वाली आपसी लड़ाई को देखने की नसीहत भी दे डाली। बृजमोहन जी, बताएं क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश और बिहार में? छत्तीसगढ़ में तो टेस्टिंग भी बड़ी संख्या में हो रही है, छत्तीसगढ़ में कोरोना पर नियंत्रण भी है और बृजमोहन अग्रवाल जी के आरोपों में कोई सत्यता नहीं। फिलहाल कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। मरीजों की व्यवस्था और उनकी समस्याओं पर बात होने के बजाय अब सियासी तीर ज्यादा चल रहे हैं। ऐसे में बीमारी और उससे जुड़ी मूल समस्याओं की बजाय नेताओं का ध्यान दूसरे मुद्दे पर ज्यादा केंद्रित नजर आ रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। कोरिया में कांग्रेस नेता राजकुमार केशरवानी को बीच बाजार प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। पुलिस ने उनके खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालने समेत महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। घटना 19 जुलाई को साप्ताहिक हाट बाजार की है, जहां हाट के दौरान राजकुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था। हाट बाजार को शहर से बाहर ले जाने की मांग की थी। वहीं राजकुमार केशरवानी ने प्रशासन की इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार केशरवानी के विरुद्ध SDM चौहान जी द्वारा थाना आकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिन पे 186, 188, 269, 70, 383 भादवी महामारी अधिनियम की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना करेगी।
रक्षाबंधन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। पहले सीएम भूपेश बघेल और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के बीच बयानबाजी दिखी, तो अब बीजेपी महिला मोर्चा ने शराबबंदी की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को बीजापुर में महिला मोर्चा के सदस्यों ने रक्षाबंधन पर शराबबंदी का उपहार मांगा, जहां इन्होंने राखियां और हाथों में बैनर लेकर घर घर शराबबंदी का संदेश भी पहुंचाया। यह कार्यक्रम शराबबंदी पर है। हमारा रक्षाबंधन का जो पर्व है हमारे पास, उस पर्व के उपलक्ष्य में हम राज्य के मुख्य सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हम राखी के उपलक्ष्य में उपहार मांग रहे हैं। पूर्ण शराबबंदी का उपहार हम चाहते हैं। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा की हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है पहली तस्वीर है राजधानी रायपुर की, जहां पर मुस्लिम समाज के युवाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद का त्यौहार मनाया। दूसरी तस्वीर है दुर्ग जिले की, जहां पर मस्जिदों में होने वाली ईद की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की गई। भिलाई का सबसे बड़ा ईदगाह स्थल सूना नजर आया, लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की है। वहीं तीसरी तस्वीर है बिलासपुर की, जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा की, एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ दी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित शारदा साहू का निर्वाचन शून्य घोषित किया। शारदा साहू कुरुत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 25 से जनपद सदस्य चुनी गई थी। पंचायत राज अधिनियम की धारा 122 के तहत कलेक्टर ने उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया है। शारदा साहू कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी थी। उन्होंने निर्वाचन के बाद जनपद अध्यक्ष भी उन्हें चुना गया था। शारदा साहू का निर्वाचन शून्य होने के साथ ही जनपद अध्यक्ष का पद भी रिक्त हो गया है। बता दें कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी योगेश्वरी साहू ने शारदा साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी। निर्वाचन याचिका थी, पंचायती राज अधिनियम के धारा 122 के तहत सुनवाई चल रही थी और माननीय उच्च न्यायालय ने 6 सप्ताह के भीतर निराकरण करने के लिए कहा था, तो जो भी विधि अनुसार जो है इसमें सभी पक्षों को सुना गया और जो है साक्ष्य लिए गए और साक्ष्य के पश्चात विधि अनुरोध जो है उसमें आदेश पारित किया गया। बिल्कुल उसमें अपील के प्रावधान हैं, बिल्कुल अपील के रास्ते हैं। कमिश्नर साहब के यहाँ अपील हो सकती है और माननीय उच्च न्यायालय और अन्य जो सक्षम न्यायालय हैं वहाँ पर अपील कर सकते हैं। जशपुर में देश की सेवा में लगे सशस्त्र बल के अधिकारी और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर SAF के कंपनी कमांडर मिखेल टोपियो के पूरे परिवार का गांव वालों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया। समाज से बहिष्कृत परिवार से किसी भी तरह के संबंध रखने वाले व्यक्ति पर ₹5,000 जुर्माने की सजा भी रखी गई। दरअसल मरियम टोली में मिखेल टप्पो के घर के सामने कई सालों से बनी बाउंड्री वॉल को ग्रामीणों ने अवैध कब्जा बताकर तोड़वा दिया। अब वहां ईसाई समाज के चंद लोग इस जमीन पर माता मरियम का मंदिर बनवाना चाहते हैं। मिखेल के परिवार ने जब इसका विरोध किया तो पंचायत बैठाकर उसका बहिष्कार कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने SPO कलेक्टर से मिलकर कार्रवाई की मांग की। था नहीं, मैं ड्यूटी फोर्स में रहता था, बाहर हूँ, मैं MP में रहता था, अकेले मेरी पत्नी थी। मेरी पत्नी के अकेले होने की वजह से वो उसका फायदा उठाए और तोड़वा दिए जबरदस्ती। उसके बाद में हम लोगों को इसको विरोध करने पर हमें सामाजिक बहिष्कार कर दिए। हमें सामाजिक बहिष्कार, ये गांव के लोग 5 लोगों ने गुट बना के इनके घर वालों को छोड़ देंगे, इनके पास कोई आना जाना नहीं करेगा। अगर इनके घर में आएंगे, इनके साथ बातचीत करेंगे, उनसे 5,000 के जुर्माना वसूल किया जाएगा, इसलिए कोई नहीं आते हैं, इनका काम भी कोई नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया है। कुल मिला के एक बहुत ही गंभीर मामला है कि वहाँ के तहसीलदार, पटवारी और RI के द्वारा गैर कानूनी ढंग से इस प्रकार का उनका निर्माण तोड़ा गया है। और दूसरी बात ये है कि जो समाज है वो इस प्रकार से अराजक कैसे होते जा रहा है कि देश में भारत का संविधान लागू है और कोई एक समाज अपने इस संविधान के पैरलर अपना कोई कानून चलाता है कि किसी भी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दे और उनका हुक्का पानी बंद कर दे, ये बिल्कुल असंवैधानिक कृत्य है। कांसाबेल निवासी फिल्मना टोप्पो अपने पति के साथ यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय उपस्थित आया करके एक लिखित आवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने लेख किया है कि उनकी पुस्तैनी जमीन है जिसमें बाउंड्री वॉल बनी हुई है, उस बाउंड्री वॉल को तोड़ करके कब्जा करने की बात सामने आई है। मामला चूँकि जमीन संबंधी विवाद का है
और खांसा बेल भेज करके उसकी जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर पुलिस ने जंगली जानवरों के 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शिकार के लिए बिजली का तार बिछाया था, जिसकी चपेट में आने से 20 साल के एक युवक की मौत हो गई थी। शुरुआत में पुलिस हत्या की आशंका जता रही थी, लेकिन गहन जांच से साफ हुआ है कि यह काम शिकारियों का है। फिलहाल दो आरोपी इस मामले में फरार हैं। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। एक बजे अपने मृतक इसका दोस्त था सूरजदेव का, और एक लड़की को छोड़ने जा रहा था दीप नगर, जो परसागुड़ी सिरसिरी जंगल में कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जी आई तार बिछा के और करंट लगा के छोड़ दिया गया था। और उसके चपेट में ये तीनों लोग आए, दो तो बच गए लेकिन एक लपट गया तार में। पीएम रिपोर्ट में करंट से ही मरने का। वहीं पेंड्रा में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बाद भी खनन माफिया सक्रिय हैं। ताजा मामला गोरेला इलाके का है, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने शासकीय भूमि से मुरम का अवैध खनन परिवहन करते जेसीबी समेत कई वाहनों को पकड़ा। कोरजा गांव के लोगों ने शिकायत की थी, गांव की शासकीय भूमि में जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से मुरम का अवैध उत्खनन कर उसे गांव में हो रहे निर्माण कार्य से लगाया जा रहा था। फिलहाल सभी जब्त वाहनों को गोरेला थाने में खड़ा करवा दिया गया है। कोरबा के गुमिया भाटा गांव में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने तो पुलिस पर उगाही करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं पुलिस इस मामले में मीडिया को देरी से सूचना देने की बात कह रही है। तो शराबबंदी नहीं किया इन्होंने, महिलाएं शराबबंदी के नाम पर क्या बोलते हैं इनको वोट दिया, और उसके बाद में ये दोनों तरफ से कमाने की कोशिश कर रहे हैं। शासकीय दुकान से सरकार के लिए कमा रहे हैं और प्राइवेट जो चुलाई करते हैं उससे ये विभाग, उनका कहना है कि हमको पैसा देना पड़ता है ऊपर। अब ऊपर किसको देना पड़ता है, मैं कई गांव का बतला सकता हूँ। जैसे भैंसों के पास में चीतापाली है, वहाँ तो भट्टी आपको नाला के किनारे में बना बना है, जो देसी भट्टी बनाते हैं ना वो, वैसे ही जितने भी गुमिया भाटा में भी आपके गुमिया भाटा है, इस तरह से हर जगह उनका कहीं ना कहीं भट्टी चल रहा है। बाकी हमने कार्रवाई अभी लगातार किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। तो आपको खबर देना था, उसके लिए आपने खबर देने में लेट की या चूक की है? पहले कोई जानकारी थी नहीं उसके बाद, मेरे को नहीं थी उसकी जानकारी। आप बताएंगे अभी बताएंगे तो हम अभी जाने को तैयार हैं। सरगुजा के लुंड्रा विकास खंड में छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन बिहान गोबर की राखियां उपलब्ध करवा रहा है। विकास खंड में स्व सहायता समूह सदस्य की महिलाएं गोबर की राखियां बना रही हैं। राखियों में धान, चावल, मोती, स्टोन और बांस का प्रयोग कर सुंदर और मनमोहक राखियां बनाई जा रही हैं। जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुलदीप शर्मा ने बताया है कि महिला स्व सहायता समूह रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए ये एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसकी बिक्री से उनको निश्चित रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी आजीविका का अवसर भी बनेगा। वहीं कवर्धा में पिछले साल की तरह इस साल भी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है, लेकिन पिछले साल की तुलना में कुछ खास नहीं बदला है। सकरी नदी के किनारे रह रहे लोगों को इस बार मुश्किल आ सकती है। 2019 में यहां रह रहे लोगों को राहत शिविर में ले जाना पड़ा था। बारिश में नदी उफन जाती है और लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। नदी किनारे लोगों को दूसरी जगह बसाने की कार्ययोजना कागजों में सीमित है। वहीं बारिश को लेकर कलेक्टर सरकारी तैयारी का दावा कर रहे हैं, लोगों की लिस्ट बनाने की भी बात कह रहे हैं। जिस एरिया में पानी की वजह से बाढ़ आते हैं, जिन मोहल्ले में जो घरों में मकानों पर पानी प्रवेश करने की संभावना है, ऐसे सभी एरिया केवल कबीरधाम में, मतलब कवर्धा सिटी में ही नहीं, पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ जिन जिन गांव में ऐसी समस्या आ सकती है, वो सारे गांवों को या उन सारे क्षेत्रों को हम लोगों ने चिन्हांकित करके रखा हुआ है। और उस एरिया के लिए एक एक नोडल अधिकारी
जो नायब तहसीलदार या एसडीएम है उनको निर्धारित किए हुए हैं। और ज़िले में जब भी उस एरिया में बारिश होती है या नदी में पानी की स्तर होती है तो उस पर कंटिन्यू वॉच रखेंगे, और जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो समय है पहले उस एरिया से उनको इवैक्यूएट करने का काम करेंगे। अब बात करेंगे मौसम की। रायपुर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। धमतरी, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, सुकमा और कांकेर में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आज और कल बस्तर, रायपुर संभाग में कई जगहों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, मौसम की फोरकास्ट क्या फोरकास्ट? बिल्कुल, देखिए पिछले 3-4 दिन से ऐसी स्थिति थी कि मानसून ब्रेक हो गया है, लेकिन एक बार फिर से अब मानसून सक्रिय हुआ है और खास तौर पर छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर बारिश की संभावनाएं बनी हैं, और इसीलिए दोपहर से हम देख रहे हैं कि बदली छाई हुई है और कई जगह जो हल्की बारिश भी हुई है। अब मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि अगले 48 घंटों में कई इलाके में, खासतौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ का जो इलाका बस्तर का है उसमें भारी बारिश हो सकती है, और इसीलिए येलो अलर्ट रायपुर संभाग और बस्तर संभाग के लिए जारी किया गया है, जिसमें गरियाबंद, धमतरी, कांकेर और दंतेवाड़ा के इलाके शामिल हैं। तो इस तरीके से दक्षिण से एक बार फिर से मानसून सक्रिय दिखाई दे रहा है, जो कि आगे बढ़ेगा तो मध्य छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर की ओर जाएगा। फिलहाल जो मानसून ब्रेक था वो स्थिति खत्म हुई है और एक बार फिर से मानसून के बादल सक्रिय छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। जी मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।